सबको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है? एक बार माइक से बोलो। यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो कल का लेक्चर था उसमें ये बताया था कि आपकी जो दो लाइंस हैं वो कहाँ से पास कर रही हैं, वो ओरिजिन से पास कर रही हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को जैसे उसमें नहीं समझ आया, उनको मैं थोड़ा सा रीकैप करवा रहा हूँ। कल हमने क्या क्या किया, अपने माइक बंद रखें बेटा। ध्यान दो इधर। हाँ, तो कल का जो लेक्चर था उसमें ऐसा था कि दो लाइंस को आप मल्टीप्लाई करके एक डिग्री टू इक्वेशन जनरेट कर लेते हो। जैसे मान लो वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो और वाई माइनस थ्री एक्स इक्वल टू जीरो को जब आपने मल्टीप्लाई किया था, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास दोनों टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में ले आनी है, राइट हैंड साइड में जीरो रखना है। और जब इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस फाइव एक्स वाई प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म आ जाएगी आपके पास। तो ये जो टर्म है ये एक्सप्रेस की जा सकती है इन दोनों टर्म्स में, तो इसी को हमने जनरल टर्म बना दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बना लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब जब हमने ये बना लिया, ये डिग्री टू टर्म हो गई इन एक्स एंड वाई, तो ये दो लाइंस की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा। तो हमने इसको कन्वर्ट किया था ना, बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इज इक्वल टू जीरो में। ठीक है, बी एम स्क्वायर प्लस टू एच एम प्लस ए इक्वल टू जीरो में, अगर इसका डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास क्या आ रहा था, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस आ रही थी। डी इक्वल टू जीरो होगा तो कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, डी लेस देन जीरो होगा तो पॉइंट आएगा। तो इस केस में कोइंसिडेंट लाइंस आ रही थी, तो इसमें क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस आ रही थी। ठीक है, ये तो क्लियर है अपने को, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो और डी लेस देन जीरो वाला केस हुआ था। तो फिर इसी के लिए हमने सारे रिजल्ट्स देखे बेसिकली, है ना, कि भाई अगर दो लाइंस में ब्रेक करना है तो किस तरीके से ब्रेक करेंगे। ठीक है, दो अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं, दो परपेंडिकुलर के प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, तो वो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, टैन थीटा इज इक्वल टू टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से आया था कि कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या फिर परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो ए प्लस बी जीरो होगा। तो ये मतलब बहुत ही सिंपल से रिजल्ट्स हैं, फिर उसके ऊपर बेस हमने क्वेश्चंस किए थे। तो आप बस एक बार नोट्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा। अब उसके आगे वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, अब हम वो वाली कर रहे हैं कि जिसमें हम जो लाइंस है हमारी वो स्ट्रेट लाइन जो है, जो दो स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं कर रही। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ठीक है, तो इसको हम जीईसीबी बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक। जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है उसको जीईसीबी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ पार्ट ऑफ कॉनिक सेक्शन। वो कॉनिक सेक्शन क्या है वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो इक्वेशन होती है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट अ कॉनिक सेक्शन। इसका लिए एक हम डेल्टा डिफाइन करते हैं, विच इज ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। ये डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है तो ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये कैसे आता है अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है, और भी कंडीशंस होती हैं, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, ये पैराबोला रिप्रेजेंट कर सकता है, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो रहेगा तो क्या करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तो सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इलिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है,
और हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली कौन एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर डेल्टा जीरो होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला इक्वेशन जो जीईसी है हमारा। ठीक है, अब ये आता कैसे, ये डेल्टा इक्वल टू जीरो कहां से, कैसे पता चला कि भाई ये डेल्टा इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, एक तो मैं आपको क्या करता हूँ, पहले दो लाइंस को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कि ये इक्वेशन इसी फॉर्म में आएगी। तो मान लो जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस वाई प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इनको मल्टीप्लाई करते हैं देखो क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स क्या बन गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू वाई एक्स माइनस थ्री एक्स, वाई को मल्टीप्लाई करो प्लस वाई एक्स, ठीक है, माइनस फोर वाई माइनस माइनस फोर वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई इंटू दिस माइनस टू वाई स्क्वायर आएगा सब। तो ये टर्म हमारे पास ऐसे आएगी ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई टू एक्स वाई माइनस थ्री एक्स प्लस वाई एक्स माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई, ठीक है, प्लस साथ में आ जाएगा एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। लाइक टर्म्स मैंने एक साथ लिख दिए, तो ये टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई विच इज माइनस एक्स वाई, ठीक है, माइनस टू एक्स माइनस फाइव वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देखो कंपेरेबल है उसी इक्वेशन पे। तो ये इसमें क्या टर्म आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, समझ गए। तो ये टर्म इससे कंपेरिजन आप कर सकते हो इसका, तो अगर आप इसका डेल्टा निकालोगे ना वो ऑटोमेटिकली जीरो निकल कर आएगा, तभी तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो आता कैसे है वो देख लेते हैं, ठीक है, तो इसका डेरिवेशन कर रहा हूं मैं। देखो ये डेरिवेशन जो होते हैं ना, ये कुछ ना कुछ कंसेप्ट को यूज करते हैं, तो इसीलिए अगर हम डेरिवेशन करते हैं तो हमें फायदा तो है उस चीज का। बाकी आपको कभी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको तो आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि भाई ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो चेक करना होगा आपको। तो डेल्टा आपको रिजल्ट, ये वाला डेल्टा याद रखना है, ये डिटर्मिनेंट है, ए एच जी कोफिशियंट्स कंपेयर किए, ए एच जी सिमेट्रिक है, मतलब जैसा फर्स्ट रो है वैसे ही इसका फर्स्ट कॉलम है, जैसा सेकंड रो है वैसे इसका सेकंड कॉलम है, जैसा थर्ड रो है वैसे इसका थर्ड कॉलम है। तो ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू जीरो पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो होता क्या है, हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली इसमें जो कोफिशियंट्स हैं जैसे ए बी, ये जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है, बाकी जीरो हो सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, इसको मेरे को ये निकालना है कि भाई ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करें, तो इसका मतलब है ये मेरा ब्रेक होके कुछ ऐसा बनना चाहिए, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, एल वन एम वन एन वन और एल टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस एन टू इक्वल टू जीरो। ये हमने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो ना, क्वाड्रेटिक में मैंने आपको बताया था डिग्री टू इक्वेशन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो, उसमें भी ये डेल्टा हमने लिखा था, तो ये इक्वेशन थी, उसी के लिए हम एक तरीके से रिजल्ट अब डिराइव कर रहे हैं कि वो आता कैसे था। तो मेरा कंसर्न है कि ये जो डिग्री टू इक्वेशन है दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू दीस टू फैक्टर्स एल वन एक्स प्लस एम वन वाई प्लस एन वन इक्वल टू जीरो, एल टू एक्स प्लस एम टू वाई प्लस एन टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स मेक दिस क्वाड्रेटिक इन एक्स, लेट्स मेक जीईसी अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो आप क्वाड्रेटिक इन एक्स भी बना सकते हो, क्वाड्रेटिक इन वाई भी बना सकते हो, दो ही वेरिएबल है हमारे पास, तो एक्स और वाई में से किसी एक में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, हम ये बना एक्स में बना लेते हैं। तो एक स्क्वायर लिख दिया टू एच वाई प्लस बी, टू एच वाई प्लस टू जी आएगा ना एक्स का कोएफिशिएंट, तो उस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं इसको, टू एच वाई प्लस टू जी प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये टर्म आ गई मेरे पास, तो अब जो x की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, माइनस टू टाइम्स ऑफ एच वाई प्लस जी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज फोर टाइम्स ऑफ एच वाई प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए इंटू बी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय टू ए, ठीक है, ऑब्वियसली ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये x की क्वाड्रेटिक बनाई, उसमें मैंने फिर x की वैल्यू निकाल दी। अब x जो है ना, x वाली जो टर्म है वो इन टर्म्स ऑफ y आ जानी चाहिए, बस अगर मेरे पास कुछ ऐसा आ गया ना x इज इक्वल टू एल वाई प्लस एन ऐसा कुछ आ गया तो बस मेरी लाइन बन जाएगी, ठीक है, नीचे कॉन्स्टेंट आ रहा है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब ऑब्वियसली दो भी आ रही है प्लस माइनस, तो मेरे को क्या चाहिए, जो अंडर रूट वाली, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है, ये अंडर रूट के अंदर वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी इसी तरीके से, अगर ये अंडर रूट के अंदर वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी तो क्वेश्चन खत्म है, समझ रहे हो ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो y की टर्म्स में आ जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब उसको ओपन अप करके देख लेते हैं तो ये फोर तो एक तो बाहर चला जाएगा तो टू बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म में थोड़ी साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू एच जी वाई, तो एक तो ये टर्म आ गई, माइनस यहाँ पे आ जाएगा ए बी वाई स्क्वायर
माइनस टू ए एफ वाई माइनस ए सी फोर मैं बाहर लेके जा चुका हूँ, ठीक है। तो ये टर्म मेरी क्या बन गई, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म ही, क्योंकि उसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो एच स्क्वायर माइनस ए बी टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू एच जी माइनस टू ए एफ टाइम्स ऑफ वाई प्लस जी स्क्वायर माइनस ए सी, ये टर्म आ गई मेरे पास, ठीक है। तो दिस कैन बी, दिस टर्म इज रिक्वायर्ड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। ये टर्म मेरे को क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो अगर ये मेरे को परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा ना बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट कर देते हैं इसका, तो आ जाएगा फोर टाइम्स ऑफ एच जी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू जी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अभी देखो क्या बन रहा है, फोर जीरो में चला जाएगा, ये बनेगा एच स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस टू ए एच जी एफ, ठीक है। यहां से देखो ये तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी, माइनस ये टर्म बनेगी एच स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए एच स्क्वायर सी माइनस ए बी जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। देखो एच के जी स्क्वायर तो अपना कैंसिल हो गया, अब इन सब टर्म्स में ए कॉमन आ रहा है तो ए बाहर निकालो, क्या बनेगा ए एफ स्क्वायर माइनस टू एच जी एफ, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर सी प्लस बी जी स्क्वायर माइनस ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। जो हमारी कंडीशन नेगेटिव से एक बार और ए को जीरो में भेज दो बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो टर्म है ना ये उस डेल्टा के बराबर ही है, ठीक है। तो दोबारा से बता रहा हूँ क्या क्या किया मैंने इसमें, एक मैंने एक्स मतलब मेरे को ये था कि इस जो डिग्री टू इक्वेशन है दिस कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स, तो मैंने क्या किया इसको एक्स में क्वाड्रेटिक मान लिया, एक्स की वैल्यू निकाली तो उसमें एक अंडर रूट आ रहा है। देखो ये तो वाई आ ही गया, अगर ये भी वाई में क्वाड्रेटिक है, अगर ये भी वाई में रिजॉल्व हो जाए, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाए एल वाई प्लस एम आ जाए, तो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, मतलब दो आ जाएंगे, एक प्लस के कारण आ जाएगी माइनस के कारण आ जाएगी, तो दो लाइंस हो जाएंगी। तो मैंने जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है इसको सिंप्लीफाई किया और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका डी क्या कर दिया, जीरो कर दिया, बस बात बन गई हमारी, ठीक है। बाकी कॉन्स्टेंट की तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना हमें, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा नहीं, रूट टू रूट थ्री कोफिशिएंट तो आ ही सकते हैं, तो मैंने उसका डी जीरो कर दिया, तो उससे मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब मैं ये बता रहा हूँ दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज जो मैंने डिटरमिनेंट लिखा था, देखो उसको भी सॉल्व करता हूँ आपके सामने, ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी ये डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करोगे यही बनेगा। देखो कैसे ए टाइम्स ऑफ, कैसे सॉल्व करते हैं याद है डिटरमिनेंट, ए टाइम्स ऑफ ये रो हटाएंगे कॉलम हटाएंगे बी सी माइनस एफ स्क्वायर, माइनस एच में क्या करेंगे ये रो हटाएंगे कॉलम हटाएंगे एच सी माइनस जी एफ प्लस जी इंटू ये रो हटाएंगे कॉलम हटाएंगे एच एफ माइनस बी जी, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस एच जी एफ प्लस एच जी एफ माइनस बी जी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या टर्म बन गई देखो, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये जीरो के बराबर होगा, तब आपका जो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको, बताओ ऑल क्लियर करो एक बार, तो स्क्रीन माइक से बोलो बेटा, स्क्रीन सर स्क्रीन ओके स्क्रीन नहीं आ रही, ओके दोबारा मैं कर रहा हूं, देखो अब आ रही है बेटा स्क्रीन, यस सर, ठीक है। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार सुन लो, हमारे पास क्या था, ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक था, इसका इसके लिए मैंने ये बताया दिस विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, वो डेल्टा क्या है, वो डिटरमिनेंट है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है। तो मैंने आप ये एक डिग्री टू इक्वेशन लिखी, इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स बनाया, उसमें एक अंडर रूट वाली टर्म आ गई, उसको उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, बिकॉज अगर वो अंडर रूट हट जाएगा तो ये लाइन की इक्वेशंस बन जाएंगी, प्लस माइनस के कारण दो लाइंस आ जाएंगी। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है, डी इक्वल टू जीरो करने पर इक्वल रूट्स आते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी वो टर्म, तो डी इक्वल टू जीरो करने पर ये कंडीशन मिल गई हमें, ठीक है। तो आपको इसका डेरिवेशन पता हो या ना पता हो, ये पता होना चाहिए कि भाई डेल्टा क्या है,
डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है विच इज ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी. आप ये वाला एक्सप्रेशन भी याद रख सकते हो, बट ज्यादा बेटर है डेल्टा याद रखो. अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा. ठीक है, तो ये बताया अभी तक मैंने यहाँ पे. अच्छा नेक्स्ट आते हैं. अब नेक्स्ट है हमारे पास एंगल. अब जो भी आपकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी उसके लिए डेल्टा जीरो होना जरूरी है. तो मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दिया और वो बोल रहा है कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन उसके ऊपर आ रहा है, तो पहले ये चेक कर लो कि भाई डेल्टा जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर डेल्टा जीरो होगा तभी तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है. अच्छा आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एंगल बिटवीन द लाइन्स. ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ. रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो अब मेरे पास ना ये वही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है. तो इन दो लाइंस के बीच का मेरे को एंगल निकालना है. देखो जो एंगल वाला पार्ट है ना वो बस यहां से डिसाइड होगा. ये वाला पार्ट एंगल डिसाइड नहीं करेगा. ओनली डिग्री टू पार्ट ऑफ द डिग्री टू पार्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ जीईसी विल डिसाइड एंगल बिटवीन टू लाइंस. ऐसा मैंने क्यों बोला? देखो आपकी ये मान लेते हैं दो लाइंस हमारी आ रही हैं ऐसे y माइनस एम वन एक्स माइनस सी वन, ठीक है, इंटू y माइनस एम टू एक्स माइनस सी टू इक्वल टू जीरो. तो आपकी दो लाइंस ऐसे आ रही हैं. अब क्या होगा कि ये वाला पार्ट एंगल डिसाइड कर रहा है, ये वाला पार्ट एंगल डिसाइड कर रहा है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? वाई स्केयर वाली टर्म मिलेगी, एक्स स्केयर वाली टर्म मिलेगी और एक्स वाई वाली टर्म मिलेगी. जो सी वन को अगर आप वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सी वन वाई और सी टू वाई वाली टर्म टू एफ वाई से कंपेरिजन में आएगी. तो कहने का मतलब क्या है, एम वन एम टू तो आप कहाँ से डिसाइड हो रहा है, तो डिग्री टू टर्म से डिसाइड हो रहा है. तो जो इस एक्स के प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्केयर इक्वल टू जीरो वाली लाइंस के बीच का एंगल होगा, वही इन दोनों लाइंस के बीच का भी एंगल होगा. तो हमारे पास टैन थीटा जो आएगा एंगल बिटवीन टू लाइंस वो किसके बराबर आएगा, टू अंडर रूट एच के माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी के बराबर आएगा. समझ गए? तो एंगल तो वो सेम ही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि जो स्लोप होती है वो किससे डिसाइड होगी, वो ए एक्स के प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो से ही डिसाइड होगी. तो जो दो लाइंस की स्लोप है वो इसी से ही डिसाइड होगी. ठीक है. अच्छा अब अगर आपको एक्यूट एंगल चाहिए तो आप मॉड लगा सकते हैं. अब इसमें फिर इससे वही हमें समझ आ जाता है कि अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी होगा तो देयर विल बी अ फाइनाइट एंगल बिटवीन टू लाइंस. इट मींस टू लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. यहां से भी देख सकते हो आप, एंगल से भी डिसाइड कर सकते हो. ठीक है, अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होगा, क्योंकि ये वाली लाइंस जरूरी नहीं है ओरिजिन से पास करें, इसलिए इसमें पैरेलल लाइंस भी आ सकती हैं. टैन थीटा जीरो जगह थीटा जीरो होगा या पाई होगा, तो पैरेलल लाइंस भी आ सकती हैं और कोइंसिडेंट लाइन भी आ सकती हैं. कोइंसिडेंट लाइन उस केस में आएंगी जब आपने दोनों लाइन सेम ही ले रखी हैं, उनके इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे होंगे. ठीक है, अगर एच के लेस देन ए बी आएगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई थीटा पॉसिबल ही नहीं है. उस केस में क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है. बेसिकली वही सेम कंडीशन है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड एच के लेस देन ए बी, तो वो कुछ कोनिक रिप्रेजेंट नहीं करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा. क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार ऑल क्लियर करो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे. सर प्लीज रिपीट. ओके, और किसी को प्रॉब्लम है इसमें? बाकी लोगों को क्लियर है? सर एक बार रिपीट कर दो. कौन सा, ये एंगल वाला पार्ट रिपीट करना है कि पूरा ही? सर बस एंगल वाला पार्ट. अच्छा देखो, मैंने क्या बताया कि एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक. तो अंडरस्टूड है पहली चीज तो, कि इसमें डेल्टा जीरो है हमारे पास. ठीक है, डेल्टा हमारे पास जीरो है. अच्छा अब जब डेल्टा जीरो है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. अब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो किस फॉर्मेट में होगा, इसका इस ये वाले इक्वेशन का किस फॉर्मेट में होगा, y माइनस एम वन एक्स माइनस सी वन और y माइनस एम टू एक्स माइनस सी टू. तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी. जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या होगा, एम वन और एम टू जो होगा वही तो एंगल डिसाइड करता है. मान लो ये दो लाइन है, ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, इसकी स्लोप एम वन है और इसकी स्लोप एम टू है. इनको आप उठा के कहीं पे भी ले जाओ, तो अगर इनकी स्लोप m1 m2 है, इन दोनों के बीच का एंगल जो रहेगा वो सेम ही रहेगा. तो
अब y माइनस एम वन एक्स माइनस सी वन वाई माइनस एम टू एक्स माइनस सी टू इक्वल टू जीरो के बीच का जो एंगल होगा दिस विल बी सेम एज y माइनस एम वन एक्स इक्वल टू जीरो और y माइनस एम टू एक्स इक्वल टू जीरो. तो कहने का मतलब है इसमें डिग्री टू वाली जो टर्म है क्योंकि m1 m2 के कारण तो डिग्री टू टर्म ही बन रही है तो वही एंगल डिसाइड करेगी. तो इसका एंगल और इस वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो ओरिजिन से पास करें दोनों के बीच का एंगल सेम है तो इसका हमें पता है हमने कल निकाला था tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट hk माइनस ab / a + b. तो इसका भी क्या होगा 2 अंडर रूट hk माइनस ab / a + b होगा. ओके सर क्लियर. ठीक है अच्छा नेक्स्ट. फिर मैंने ये बताया कि भाई अब अंडर रूट टू अंडर रूट एक्स के माइनस एबी तो अंडर रूट के कारण हम और भी चीजें गवर्न कर सकते हैं. अंडर रूट के अंदर वाली टर्म हमेशा जीरो या जीरो से पड़ी होनी चाहिए. इफ एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन एबी देन टू लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू एबी तो पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी. अगर एच स्क्वायर लेस देन एबी होगा तो पॉइंट आएगा. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कंसर्न इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस represented by general equation of conic. ठीक है तो अब हमारे पास दो जो pair of straight line है उनका point of intersection कैसे निकालना है. तो इसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास. सुनना ध्यान से. तो मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. ठीक है ये जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. इसका डेल्टा अगर जीरो होगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है तो अब दो तरीके हैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के. पहला तरीका है कि मैं L1 इक्वल टू जीरो और L2 इक्वल टू जीरो निकाल लूं. वो ब्रेक कैसे करते हैं वो भी थोड़ी देर में बताएंगे. ठीक है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कंपैरेटिवली. तो L1 जीरो एंड L2 जीरो हमें निकालना पड़ेगा. तो दो लाइंस में हम उसको ब्रेक करेंगे. वो दो लाइंस जब हमारी निकल जाएंगी उन दोनों का फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा. तो दो लाइन आ गई तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाल ही लेंगे. अब दूसरा तरीका होता है पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है अब जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो क्या करता है तो पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या करता है पार्शियल डेरिवेटिव पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देता है. और कोनिक के केस में अगर ये क्वेश्चन कोनिक रिप्रेजेंट कर रही होगी तो सेंटर देगा सेंटर ऑफ द कोनिक. समझिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है पेयर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा और कोनिक के केस में क्या देगा सेंटर ऑफ द कोनिक देगा. तो ये आपको ध्यान रखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है. कई बार जरूरत पड़ती है तो हम जल्दी से पार्शियल डेरिवेटिव करके उसको निकाल लेते हैं. ठीक है तो क्या करते हैं मैं जैसे इसमें निकाल के बताता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव कैसे करना है. मान लो ax² plus 2hx y plus by² plus 2gx plus 2fy plus c. इसका निकालते हैं हम. ठीक है abc और abh और gfc में आंसर आपका मतलब आएगा. ठीक है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करने का क्या मतलब है कि हम वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं. ठीक है तो जब मैं बोल रहा हूँ दो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डी बाई डी एक्स तो होता है जिसमें आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो करते हो बट उसमें वाई को कांस्टेंट नहीं मानते हैं. तो उसको जो नॉर्मल डेरिवेटिव होता है उसको आप डी बाई डी एक्स लिखते हो. जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसका मतलब होता है उसको हम ऐसे दो से रिप्रेजेंट इसको दो बोलते हैं. इसका मतलब है जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम क्या करेंगे y को कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो डो बाई डो एक्स ऑफ द इक्वेशन आप करोगे इक्वल टू जीरो. ठीक है अब करो तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ये पहली टर्म तो आ जाएगी 2ax 2hxy को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2hy विल बी ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट. तो 2hy आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 by square का डेरिवेटिव 0 2gx का डेरिवेटिव 2g 2fy is constant for x and c is also constant to equal to 0. तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ax plus hy plus g equal to 0. तो ये तो हो गया हमारा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. इधर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लेता हूँ. पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है तो डो बाई डो एक्स डो वाई ऑफ जी ई सी करना है हमें. तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ax का डेरिवेटिव 0 टू एच एक्स आ जाएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव लेना है प्लस टू बी वाई आ जाएगा प्लस टू एफ इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा.
ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कोनी के केस में आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा, और इसके केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू जीरो एंड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे, मतलब साइमल्टेनियसली आप इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो जैसे इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो y के कोऑर्डिनेट मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, y का यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे आप बेसिकली, तो यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ए एफ माइनस एच जी, समझिए ना, एच जी आएगा इधर, सब्ट्रैक्ट करोगे एच जी माइनस ए एफ, उधर जाके ए एफ माइनस एच जी हो जाएगा। तो जो y का कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है ए एफ माइनस एच जी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ऐसे आप x का कोऑर्डिनेट जो निकालोगे तो उसके लिए क्या करोगे, y से समझिए ना, y इलिमिनेट करेंगे तो इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको h से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ये वाली टर्म बन जाएगी बी जी माइनस एच एफ, तो बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, सो दिस इज द आंसर। बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जीईसी, रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ कोन इज बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉमा ए एफ माइनस एच जी अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। चलो जी, हो गया, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसी में स्क्रीन सबको दिख रही है, एक बार माइक से बोलो, यहां तक क्लियर है, माइक से बोलो बेटा, चैट मेरे पास थोड़ा लेट आ रहा है। सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। Still screen is lagging. अभी किसी को स्क्रीन लैग दिख रहा है? माइक से बताओ मुझे। क्लियर सर। ओके। यस सर। ठीक है, जिसको भी स्क्रीन लैग दिख रहा है वो थोड़ा सा कोऑपरेट करे, मेरी वॉइस को सुने कम से कम, तो उसको समझ तो आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ना हो, ये नेटवर्क का इशू है इसमें। अच्छा देखो, अब ये समझ आ गया ना, मतलब हमें, हमने क्या क्या सीखा है इसमें। एक तो हमने सीख लिया कि भाई जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगी, पहली चीज ये सीखी, उसके लिए डेल्टा जीरो होना चाहिए। दूसरा हमने सीखा कि इन दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालना है, दैट विल बी सेम जो होमोजेनियस इक्वेशन हमारे को दे रही थी, तो tan थीटा इज 2 अंडर रूट hk माइनस ab अपॉन a प्लस b। फिर मैंने आपको इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सिखाया, तो उसका क्या तरीका है, एक तो तरीका है कि l1 इक्वल टू 0 और l2 इक्वल टू 0 निकालो, वो कैसे निकालते हैं अभी पता चलेगा, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव मेथड से हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, ठीक है, तो वो लिखा है। अच्छा, अब नेक्स्ट है एंगल बाइसेक्टर। तो आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जो है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, उनके लिए पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स के, वही मतलब अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके एंगल बाइसेक्टर की क्या इक्वेशन होगी वो हमें निकालना है, बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये मेरे पास इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका करने का तरीका क्या है, इसको हम ना रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन में। तो हम क्या करते हैं, इसका से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर निकाला था, से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम निकाल रहे हैं, तो जैसे ये पेयर ऑफ लाइंस है हमारे पास L1 और L2, ये किसी पॉइंट पर अल्फा बीटा पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
एक मिनट रुको बेटा, ठीक है। तो ये जो पेयर ऑफ लाइंस है, अगर ये अल्फा बीटा पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लाइंस हैं पी वन और पी टू वाली, ये मतलब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ये ओरिजिन पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो एल वन एल टू वाली जो लाइंस हैं वो कहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगी, ओरिजिन पे शिफ्ट कर जाएंगी। तो जब ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगी तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी टाइम्स ऑफ वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस टू एच एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। बैक में समझ गए। तो ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस, मतलब आपने क्या किया ना, शिफ्टिंग करोगे तो वो जो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी ना, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बी टाइम्स ऑफ वाई माइनस बीटा स्क्वायर टू एच टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसके लिए एंगल बाइसेक्टर लिखना आपको आता ही है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाय एच। ये आ गया बस। अब एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस अल्फा, तो जगह एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा बाय एच, ठीक है। समझ आ गया। देखो हम क्या करते हैं ना, कई बार अब हमारे को ओरिजिन के लिए रिजल्ट्स पता है, बट अगर हमारा जो केस है वो शिफ्ट हो रखा है अल्फा बीटा पे, जैसे ये वाली जो लाइन्स है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी, अल्फा बीटा पे होंगी, तो मैंने क्या किया वहां पे शिफ्टिंग कर दी। अब क्या होगा, शिफ्टिंग कैसे होगी, अब ये जो आपका नया पेयर है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में आएगा, तो कैपिटल एक्स को किसके बराबर लिख दोगे, एक्स माइनस अल्फा के बराबर, कैपिटल वाई को किसके बराबर लिख दोगे, वाई माइनस बीटा के बराबर। तो आपकी जो नई इक्वेशन होगी वो ओरिजिन पे शिफ्ट, मतलब उसके अल्फा बीटा पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, ओरिजिन पे। तो क्या आ जाएगा, ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बी टाइम्स ऑफ वाई माइनस बीटा स्क्वायर टू एच एक्स माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा ए कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल वाई स्क्वायर टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब इसके लिए हमें लिखना आता है, अब आपने शिफ्टिंग करी थी उसके लिए आपको लिखना आता है, फिर कैपिटल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आपका एक्स माइनस अल्फा के बराबर हो जाएगा, कैपिटल वाई किसके बराबर हो जाएगा, वाई माइनस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अल्फा बीटा इसमें क्या है, अल्फा बीटा इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल वन एंड एल टू, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, अभी क्लियर है, एक बार ऑल क्लियर करो, कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। क्लियर सर। तो अब देखो ना, इनके रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ये अब देखो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ओरिजिन वाला केस याद है तो उसके लिए आपको उसके रिजल्ट्स याद हैं, तो इसमें बस क्या है, उसी का एक्सटेंशन है एक तरीके से। इसमें बस एक चीज बची है, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, अब जो एक चीज जो बची है वो क्या है हमारे लिए, कि अगर मान लो हमारी जो लाइन्स हैं वो जैसे 1,2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और उनको ब्रेक करना है, तो उनको ब्रेक कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो एक प्रॉब्लम के थ्रू ही करते हैं। एक बार मेरे को बताना कितने क्वेश्चन हो गए थे, 10 हो गए थे आई गेस, कितने क्वेश्चंस हो गए थे कल हमारे, बताइए एक बार, 9 हो गए थे कि 10 हुए थे, कल 9 क्वेश्चन हो गए थे। ओके, ये 10th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो समझो एक बार, अब जो हमने पढ़ा उसी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जिसको अगर मान लो थोड़ी बहुत थ्योरी नहीं भी समझ आई है, अभी क्वेश्चंस में समझ आने लग जाएगी। सो फाइंड दी लाइन्स, whose combined equation is 6x square plus 5xy minus 4y square plus 7x plus 13y minus 3 is equal to 0. ठीक है, find the lines whose combined equation is 6x square plus 5xy minus 4y square plus 7x plus 13y minus 3 equal to 0. ठीक है, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको ये बताया ना, जो डिग्री टू पार्ट है दैट विल डिसाइड द स्लोप ऑफ बोथ द इक्वेशंस, ठीक है। तो जो डिग्री टू पार्ट है उसको सबसे पहले ब्रेक करना है। डिग्री टू पार्ट क्या डिसाइड करता है, स्लोप डिसाइड करता है दो लाइंस की, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका सी वन सी टू से आता है, मतलब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ वाई माइनस एम वन एक्स प्लस सी वन,
y माइनस एम टू एक्स प्लस सी टू, ये दो लाइन्स में मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो ये वाला पार्ट आपका सी वन सी टू के कारण आएगा, ये वाला पार्ट आपका y माइनस एम वन एक्स और y माइनस एम टू एक्स के कारण आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को ब्रेक करो, तो इसको मैंने लिख लिया सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर है, तो इसको लिख सकते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, टू एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से माइनस वाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे थ्री एक्स प्लस फोर वाई बचेगा, सही है, समझ आ गया आप सबको, क्वाड्रेटिक की तरह हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया, तो टू एक्स इंटू थ्री एक्स प्लस फोर वाई बचेगा माइनस वाई इंटू थ्री एक्स प्लस फोर वाई बचेगा। कहने का क्या मतलब है, अब ये जो टर्म है मेरी, दिस टर्म सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थर्टीन वाई माइनस थ्री, ये मेरे को पता है कैसे मिल रही होगी, 2x minus y plus c1, एक constant c1 होगा, एक 3x plus 4y plus c2, एक constant c2 होगा, तो इन दोनों को multiply करके तो आपको कौन मिल रहा है, 6x square plus 5xy minus 4y square वाला part मिल रहा है। अब c1 c2 से multiply करके आपको ये वाला part मिलेगा, अब वो कैसे निकाल लेंगे, तो पहला step समझ आ गया कि degree 2 वाली term को break करके slope वाले part achieve करो आप लोग, तो जैसे आपको slope वाले part मिल गए तो अब हमारे को c1 c2 निकालने हैं, ठीक है। अब अगर c1 c2 निकल गए इसका मतलब है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर c1 c2 नहीं निकले इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कॉनिक सेक्शन होगा, तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये बताओ राइट हैंड साइड में, इस साइड में x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है हमारे पास 3 इंटू c1 और ये 2 इंटू c2 पे आएगा प्लस 2 c2, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 7, तो 7x है, इसका मतलब क्या हो गया, एक रिलेशन आ गया 3 c1 प्लस 2 c2 दिस शुड बी इक्वल टू 7। अब y का कोफिशिएंट निकालो, y का कोफिशिएंट क्या है, इधर देखो c2 into minus 1 तो ये हो गया minus c2, ठीक है, एंड इधर है 4y into c1 तो 4c1, ठीक है। इस तरफ y का क्वेश्चन कितना है 13y, तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया 4c1 minus c2 is 13, ठीक है। एक और c1 c2, जब c1 c2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म भी आ रही है, तो c1 c2 is equal to minus 3, तो इन तीनों से ना आपको ये वेरीफाई हो जाएगा कि भाई c1 c2 एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन दोनों से c1 c2 निकाल लीजिए, इसमें पुट करके चेक कर लीजिए whether it is okay or not, ठीक है, तो कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 8 c1 minus 2 c2 is equal to 26, इन दोनों को ऐड किया तो 11 c1 is equal to 33, तो c1 मेरे पास 3 के बराबर आ गया, ठीक है। इसमें पुट करो 12 minus c2 is equal to 30, तो c2 मेरे पास कितना आ गया minus 1, c1 3 आ गया, c2 minus 1 आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है minus 3 आ रहा है, इट इज सेटिस्फाइंग। इसका मतलब ये जो टर्म है मेरी ये पक्का से दो लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो हम लिख देते हैं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थर्टीन वाई माइनस थ्री, दिस कैन बी रिटन एज टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री टाइम्स ऑफ थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन, ये बन गया हमारा टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस, तो ये दो लाइन्स हो गई, तो एक लाइन आएगी टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक काम और करते हैं यहाँ पे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसी क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको वो वाली जो थ्योरी थी कि हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो वो भी आपको यहीं से चेक हो जाएगा, तो दोनों मेथड से भी चेक हो जाएगा ना, ठीक है, तो वो भी करते हैं। से नाउ माय कंसर्न इज टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या है, एक लाइन है मेरे पास 2x minus y plus 3 equal to 0, एक लाइन है मेरे पास 3x plus 4y minus 1 is equal to 0, ठीक है। तो क्या करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली वाली इक्वेशन को, तो दिस विल बिकम 2, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8x minus 4y plus 12 equal to 0, दिस इज 3x plus 4y minus 1 equal to 0, ऐड कर दिया हमने तो 11x plus 11 is equal to 0, सो x is minus 1, ठीक है। अब इसको एक में पुट कर दीजिए, minus 3 minus 1 plus 4y is equal to 0, y is equal to 1, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है minus 1 comma 1, ठीक है। अब इसको पार्शियल डेरिवेटिव से करते हैं, करें पार्शियल डेरिवेटिव से, क्या इक्वेशन है मेरे पास 6x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको मैं कर रहा हूँ पार्शियल डेरिवेटिव से, सो पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12x, देख रहे हो x के रिस्पेक्ट में करो, 5y इज कांस्टेंट सो 5y, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 7, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, तो एक ही क्वेश्चन आ गया 12x plus 5y plus 7 equal to 0, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं y के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये क्या आ जाएगा 5x minus 8y plus 13 is equal to 0, ये भी क्लियर है,
इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 5x, इसका 8y विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो बिकॉज इसका 13, बाकी का 0. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या बन, स्क्रीन गॉन. ओके वेट, ठीक है, मैंने रीशेयर करिए. देखो तो इसको फिर मैंने पहली, मतलब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किया. नाउ मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 96x प्लस 40y प्लस 56 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 25x माइनस 40y प्लस 65 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ऐड कर देते हैं इन दोनों को. ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 121x. और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 121 इक्वल टू 0. देख रहे हो, x इक्वल टू माइनस. अच्छा, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव के बाद लाइंस आती है ना, इनका हमारे, मतलब हमारे स्कोप में नहीं है ये बेसिकली क्या होता है कि 3D सरफेस में एक प्लेन आता है. ठीक है, तो अभी आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है. जो सिंपल डेरिवेटिव होता है, दैट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ कर्व. ठीक है, तो सिंपल डेरिवेटिव वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है. पार्शियल डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज आउट ऑफ योर स्कोप, यू विल बी लर्निंग इट इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ऑफ द इंजीनियरिंग. तो राइट नाउ यू नीड नॉट टू फोकस ऑन दैट. आपको बस ये, बस ऐसा ध्यान रखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है, वो मेरा कंसर्न है. और कॉनिक सेक्शन में वो क्या देगा, मुझे सेंटर दे देगा. तो x इज इक्वल टू माइनस वन आया, हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया, ये दो लाइंस आई एक तरीके से टू डायमेंशन में, वो क्या कर रही है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है. ऑब्वियसली दीज टू लाइंस आर नॉट द लाइंस जो हमने निकाली थी. हमारी लाइंस तो क्या थी, देखो 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0. तो ये दोनों लाइन उनसे बिल्कुल भी डिफरेंट है, तो इसका उनसे कुछ लेना देना नहीं है. तो x इक्वल टू माइनस वन अगर आप इसमें किसी में भी एक में पुट कर लें, तो ये y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या शो किया कि जो मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव वाली थ्योरी बताई थी, दैट इज परफेक्टली ओके. क्या करना है, अगर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है या सेंटर ऑफ द कॉनिक निकालना है, तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव करके वो निकाल सकता हूँ. उसका दूसरा तरीका क्या है, अब देखो ये वाला तरीका देखो, आप जो आपने निकाला पार्शियल डेरिवेटिव करके, कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 और मैक्सिमम मतलब बाकी कैलकुलेशन है, तो 3 स्टेप्स में आपने निकाल लिया. इसमें क्या हुआ, पहले तो आपने उसको ब्रेक किया स्लोप में, फिर C1 C2 ऐड किया. ठीक है, C1 C2 ऐड मतलब C1 C2 कंपेयर करके आपने निकाला, फिर उसके बाद आपके पास लाइंस आई, फिर उसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला. तो अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है या सेंटर ऑफ द कॉनिक निकालने का क्वेश्चन है, इट इज ऑलवेज बेटर टू गो विद पार्शियल डेरिवेटिव मेथड. ठीक है, इससे करने में कोई बुराई नहीं है, ये हमें आना ही चाहिए. मान लो वो आपसे लाइंस पूछेगा तो आपको ये आएगा ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव से थोड़ी निकालोगे तब आप. तो अगर आपसे वो बोलेगा कि भाई लाइंस निकालो, तो हमें ब्रेक करके आना चाहिए. अब ब्रेक करने में मैंने आपको ये सिखाया है कि भाई ये जो डिग्री 2 टर्म है, दैट विल डिसाइड द स्लोप ऑफ द लाइंस, वो आपकी लाइंस की स्लोप को डिसाइड करेगा. उसके बाद आपको C1 C2 करके कंपेयर कर देना है. ठीक है, सबको क्लियर हो गया, एक बार लिखो चैट बॉक्स में, अभी आ रही है मेरे पास चैट. किसी को और कोई प्रॉब्लम है, स्क्रीन नहीं दिख रहा तो बताइए मुझे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए. कोफिशिएंट कंपेयर वाले में क्या था बेटा, हमारा यहाँ पे कंसर्न था कि हमें लाइंस की इक्वेशन को निकालना है. ठीक है, सुनो एक बार, ये डाउट पूछ रहे हैं, तो आपको ना लाइंस की इक्वेशन को निकालना था. तो मैंने आपको ये बताया, जो डिग्री 2 टर्म है, दैट विल डिसाइड द स्लोप ऑफ द लाइंस, बट ये जो दो लाइंस है, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट ओरिजिन, दे आर इंटरसेक्टिंग एट सम अदर पॉइंट. तो इसीलिए हमें लाइंस को क्या मानना पड़ेगा, इसको मैं माना मैंने y माइनस m1x प्लस c1, या ay1 प्लस ba, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0. और दूसरी लाइन मैंने मान ली y माइनस m2x प्लस c2 इक्वल टू 0. मैंने आपको ये बताया, जो स्लोप वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, दैट इज डिसाइडेड बाय द डिग्री 2 इक्वेशन. तो वो जो डिग्री 2 इक्वेशन, उसको ब्रेक करके मैंने वो वाला स्लोप वाला पार्ट डिसाइड कर लिया. अब उसमें जो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, c1 c2 वाला पार्ट है, ये तो डिसाइडेड नहीं है, तो उसको मैंने प्लस c1 प्लस c2 कर लिया, और उसको मल्टीप्लाई करके हमने कंपेयर कर दिया. तो कंपेयर किससे करोगे, ये डिग्री 2 वाला पार्ट तो ऑलरेडी आपका यहीं से, ये तो कंपैरिजन हो गई नहीं, इसी से तो आपने ही निकाला है. तो C1 C2 से तो आप x और y के कोफिशिएंट कंपेयर करके निकाल सकते हो. तो C1x C2x ऐसे आपने मल्टीप्लाई किया, x का कोफिशिएंट निकाल लिया, क्या आया 3C1 प्लस 2C2, उसको आपने 7x के बराबर कर दिया. y के साथ आपने क्या किया,
फोर वाई इंटू सी वन तो फोर सी वन वाई, और माइनस वाई इंटू सी टू तो माइनस सी टू वाई, तो उससे कंपेयर करिए 13 आ गया ठीक है, और सी वन सी टू आपका कॉन्स्टेंट से कंपेयर हो जाएगा माइनस थ्री। बेसिकली इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके यही तो मिलेगी, यही तो हमारा कंसर्न है, ये ब्रेक हो गई ये मिल जाए, इन दोनों मल्टीप्लाई करके ये मिल जाए। तो हमने क्या किया, एक्स वाई और कॉन्स्टेंट टर्म के कोफिशिएंट कंपेयर कर लिए। अगर सी वन सी टू निकालने के बाद इस सी वन सी टू से मैच कर जाता है तब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे माइनस थ्री आ रहा था, इन दोनों प्रोडक्ट भी माइनस थ्री आ रहा था, इसका मतलब है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दस द इक्वेशन, ये अब आप खुद से करके बताओ एक बार। दस द इक्वेशन x square plus 2y square minus 2 root 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 represent POS. दस द इक्वेशन x square plus 2y square minus 2 root 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 represent pair of straight line. क्या चेक करना पड़ेगा आपको, डेल्टा, सबसे पहले डेल्टा निकालो ठीक है, कंपेयर करके डेल्टा निकालो, फिर एच स्क्वायर और ए बी निकालो। अंकित आपने कैसे निकाला, नो ओनली पॉइंट, ये कैसे पता चला पॉइंट आएगा, देखो वैसे अगर आप सोचते हो ना तो h तो इसमें जीरो है, 2hxy वाली टर्म ही नहीं है, तो h जीरो है, a वन है और b टू है आपका, तो h स्क्वायर इज लेस देन ab आ गया ठीक है, पहले तो ये सोच लो। अब इसका डेल्टा भी चेक कर सकते हो ठीक है, तो डेल्टा अगर आप निकालोगे, मैं डेल्टा निकाल देता हूँ ठीक है, तो हमारे पास a वन है, b टू, h जीरो है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx होता है ना, तो g हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस रूट थ्री, 2gx प्लस 2fy, तो 2f is minus 4, तो f आएगा minus 2 and c is 5 ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या होता था, ahg which is minus root 3 ahg hbf so hbf so hbf is also there और यहाँ पे gfc आ जाएगा ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 times of this into this, 2 into 5 10 minus 4 ठीक है, माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ जीरो प्लस टू रूट थ्री ठीक है, तो आ जाएगी वैल्यू सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा तो जीरो है, डेल्टा जीरो एच के लेस देन ए बी है, इसका मतलब है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ठीक है। अब पॉइंट अगर निकालना हो तो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा ना, वो इक्वेशन हमेशा कुछ ऐसी बनेगी एक्स माइनस, या तो फिर आप एक तरीका और भी है पॉइंट निकालने का कि आप पार्शियल डेरिवेटिव कर लो, वही पॉइंट आएगा ठीक है, बट यहाँ पर ये थोड़ी इक्वेशन थोड़ी सिंपल है, मैं बता देता हूँ कैसे हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस टू थ्री एक्स प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस फाइव था ना हमारे पास, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री एक्स वाली टर्म एक साथ कर दी, टू टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टू वाई वाली टर्म एक साथ कर दी, इसके बाद प्लस वन आ जाएगा, प्लस थ्री आ जाएगा, तो टू प्लस थ्री इज फाइव ओनली, ये बन रहा है एक्स माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हमारे पास पॉइंट आ गया रूट थ्री कॉमा वन, तो रूट थ्री कॉमा वन इज अ पॉइंट। दिस इक्वेशन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट ठीक है, क्लियर हो गया सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 2x square plus 7xy plus 3y square plus 8x plus 14y
प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। माइक से भी बोल सकते हो बेटा आप, कई बार ये चैट थोड़ी डिलेड है तो आप अगर किसी का आंसर आता है तो माइक से बोल दो। डेल्टा जीरो करना है सिंपली इसमें। अच्छा अगर वो आपको कह रहा है ना दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इसमें अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में तीनों चीजें हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रियल एंड डिस्टिंक्ट भी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कोइंसिडेंट भी है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पॉइंट वाला केस भी है। तो आपको क्या करना है बस डेल्टा जीरो कर देना है इसका, समझ गए ना। जिसका भी आंसर आया चैट बॉक्स में लिखो। कंपेयर करते हैं, ए टू आएगा, एच कितना आएगा सेवन बाय टू, टू एच एक्स वाई होता है ना, बी कितना आएगा थ्री आएगा, टू जी एक्स तो जी फोर आएगा, टू एफ वाई एफ सेवन आएगा और सी लैम्डा आएगा। तो इसका डेल्टा जीरो करना है मुझे, ए एच जी एच जी आएगा, एच बी एफ एच बी एफ ठीक है और जी एफ सी, दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से सॉल्व कर सकते हैं। चलो ऊपर वाली रो से ही करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, प्लस माइनस प्लस, वैसे डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी होती है आप किसी भी रो किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी चलो ऊपर वाले से करते हैं, टू इंटू ये रो हटाई कॉलम हटाया रहेगा थ्री लैम्डा माइनस फोर्टी नाइन, ठीक है माइनस सेवन बाय टू इंटू ये रो हटाई कॉलम हटाया सेवन बाय टू लैम्डा माइनस ट्वेंटी एट, ठीक है प्लस फोर इंटू ये रो हटाई कॉलम हटाया फोर्टी नाइन बाई टू माइनस ट्वेल्व, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा, फिर आ जाएगा सिक्स लैम्डा माइनस फोर्टी नाइन बाई फोर लैम्डा माइनस नाइन्टी एट प्लस सेवन इंटू फोर्टीन प्लस टू इंटू फोर्टी नाइन माइनस फोर्टी एट इक्वल टू जीरो। ठीक है तो लैम्डा मेरे पास आ जा रहा है माइनस ट्वेंटी फोर, तो माइनस ट्वेंटी फाइव बाई फोर लैम्डा, ठीक है तो ये 98 से वाला 98 कट गया, ये वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी 2 into 49 is 98 तो माइनस 50 आ जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 8 आ जा रही है। ठीक है इजी क्वेश्चन है वैसे ये, अगर आप वैसे देखो ना कि ये क्या एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एच स्क्वायर और ए बी में कंपैरिजन चाहिए होता है हमें, तो एच इज 49 बाय 4 और ए बी इज 6, तो ये वाली टर्म बड़ी है। ठीक है तो एच स्क्वायर बड़ी है ना, ग्रेटर देन ए बी है, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एकदम लैम्डा इक्वल टू 8 इज द राइट आंसर। ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं, तो प्रॉब्लम 13 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, सबको स्क्रीन दिख रहा है एक बार यस बोलो, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, ओके फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। करो एक बार इसका आंसर बताओ, फिर जिसको भी स्क्रीन विजिबल नहीं है बताइए मुझे। इसको क्या करना है आपको, अब दो लाइंस में ब्रेक करना है एंड दोज टू लाइंस विल डेफिनेटली बी पैरेलल लाइंस, फिर उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली। मैथ्स में ध्यान रखना है दो ही टाइप के डिस्टेंसेस होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या पैरेलल डिस्टेंस होता है या अलोंग द लाइन डिस्टेंस होता है जो पैरामेट्रिक फॉर्म से निकलता है। इसका आंसर बताओ चैट बॉक्स में।
माइक से बोल सकते हो क्या चांस आ रहा है? देखो क्या करो, पहले तो इसको दो लाइंस में ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये ब्रेक होगा ना। आया किसी का आंसर? रूट फाइव। यस, रूट फाइव इज द राइट आंसर। और देखो किसी का आ रहा है रूट फाइव? पहले तो इसको ब्रेक करो, एक्स के प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्केयर। तो ये देखने में समझ आ रहा है, एक्स प्लस टू वाई का होल स्केयर है बेटा ये। सबको क्लियर हो रहा है? डिग्री टू टर्म है ना, तो ये स्लोप डिसाइड करेगी। तो ऑब्वियसली ये जो टर्म है हमारे पास, अब इसको कंपेयर कर लेंगे, तो वी कैन ब्रेक दिस टर्म एज एक्स के प्लस फोर वाई प्लस फोर वाई स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस सी वन इंटू एक्स प्लस टू वाई प्लस सी टू। अब कंपेयर करके सी वन सी टू निकाल लेना हमें। तो एक्स का कोएफिशिएंट देखो, थ्री विल बी इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, सिक्स विल बी इक्वल टू वाई वन वाई और वाई, तो टू टाइम्स ऑफ सी वन प्लस सी टू। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई कर ही रहा है डायरेक्टली वाई का कोएफिशिएंट, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। और सी वन सी टू किसके बराबर आ रहा है? माइनस फोर। तो इन दोनों रिलेशन से आपके पास सी वन सी टू निकल जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ सी वन प्लस सी टू की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस फोर बाई सी वन इज इक्वल टू थ्री। यह जगह सी वन स्क्वायर माइनस थ्री सी वन माइनस फोर इक्वल टू जीरो, सी वन माइनस फोर इंटू सी वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि माइनस थ्री आ रहा है समय इसका ना, तो C1 की वैल्यू प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो एक C1 की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, फोर, और ऑब्वियसली C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की मतलब फोर आएगी, दूसरे की माइनस वन आएगी, अंडरस्टूड है। तो हमारी लाइन्स हो जाएंगी x प्लस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक लाइन हो जाएगी x प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अब पैरेलल लाइन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, सी टू माइनस सी वन, तो फोर माइनस माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। सो दिस विल बी 5 by root 5, so D perpendicular will be equal to root 5. ठीक है, so root 5 will be the answer. ठीक है, क्लियर है सबको इतना? अच्छा, मैं कुछ अनाउंसमेंट्स कर रहा हूँ, आज की क्लास हम यहाँ तक ही रख रहे हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, एक इवनिंग की क्लास है हमारी 2 पीएम, उसमें ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस हैं। ठीक है, सैटरडे को आपका टेस्ट है, उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आप बस एक छोटा सा टॉपिक बचा, क्वेश्चंस बचे। ठीक, तो जो सैटरडे को आपका जो टेस्ट है उसमें स्ट्रेट लाइन कंप्लीट आएगा एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है वो मेरी वॉइस सुनो एक बार, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो आज इवनिंग की क्लास है 2 बजे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, सैटरडे को आपका टेस्ट है जिसमें स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट आएगा, तो इसको पैकेज से ही करना है। कुछ बच्चे मुझे असाइनमेंट्स के लिए कह रहे थे, तो वो आपको अभी देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस पैकेज ही करना है। इसमें मोर देन सफिशियंट है, बिकॉज वी विल बी डूइंग कोनिक सेक्शन में से ना 3 या 4 क्वेश्चन आने होते हैं पूरे चैप्टर में से। तो अब जो आपका स्ट्रेट लाइन, ऐसे ही होगा कि स्ट्रेट लाइन में से एक क्वेश्चन आएगा, एक सर्कल में से आएगा, तो इसीलिए आप क्लास कॉपी के सारे क्वेश्चन करें फिर पैकेज करें। ठीक है, कुछ और कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे, इवनिंग में मिलते हैं और कल मिलते हैं बाकी बच्चों से।